ये छोटा वाला स्पॉकेट, ये बड़ा वाला स्पॉकेट और ये पूरा चेन। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम लोग जा रहे हैं, मेरा जो बाइक TVS रेडर है, जैसे आप देख सकते हैं, इसका हम सर्विस कराएंगे TVS सर्विस सेंटर से। इसके पहले मैंने करा रखा है लोकल सर्विस शॉप से, जहाँ से मुझे लगा कि थोड़ा ठीक ठाक है सर्विस जो करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ TVS में, क्योंकि मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चेन स्पॉकेट जो है मेरा। बाइक एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। बाइक जो है 19,000 से ऊपर चल चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 19,000 से ऊपर आप लोग देख सकते हैं चल चुका है बाइक। तो इसके लिए मैं चेंज पॉकेट जो है वो चेंज करवा लूँगा पूरा। और एक चीज़ है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो कि है, मैंने मोबाइल होल्डर जो है ये लोकल वाला मैंने लगा रखा है यहाँ पे। तो आपके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है कि कौन सा मोबाइल होल्डर अच्छा है, तो वो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। तो वो वाला मोबाइल होल्डर मैं लगाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं रस्ट वस्ट पूरा जम गया है, तो और ये बहुत नॉइज़ करता है। तो थोड़ा जो अच्छा मोबाइल होल्डर है, तो उसका मुझे थोड़ा बता दीजिए कि कहाँ से क्या मुझे मिलेगा। आप लोग अगर यूज़ करते हैं, अच्छा है कोई मोबाइल होल्डर, तो मुझे प्लीज़ रिकमेंड कीजिए। तो वो वाला मोबाइल होल्डर मैं लगाना चाहता हूँ पूरा। अभी देखते हैं और क्या क्या बाइक में चेंज कराना पड़ेगा, कि क्या सर्विस थोड़ा बहुत करवा लूँगा, क्योंकि मैं पहला जो सर्विस होता है, मतलब कुछ भी चेंज अगर करवाना होता है, मैं पहले सर्विस सेंटर से करवाता हूँ, उसके बाद लोकल शॉप्स में मैं देख लेता हूँ कि कितना क्या प्राइस है वगैरह। तो पहला जो मैं कुछ भी ख़रीदता हूँ, तो मैं पहले TVS से ही करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जेन्युइन रखना चाहता हूँ। मतलब मन को शांति मिलता है ना कि भाई TVS से करवा लिया। तो पहले देखते हैं वहाँ पे कितना क्या खर्चा आता है, सब आप लोग को दिखाएंगे इस वीडियो में, क्या कैसे क्या सर्विस किया उन्होंने। और पूरा वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, पूरा वीडियो एंड तक देखो, आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अभी आ चुका हूँ TVS सर्विस सेंटर में, बाइक को भी लगा दिया है। अभी देखते हैं कितना क्या खर्चा आता है, सब आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो में बने रहेंगे। सर्विस के लिए दे दिया है, वो लोग देख लिए हैं, तो दिखाते हैं आपको कैसा बनता है। अच्छा, मैं 9:30 बजे, अभी 11 बज रहे हैं और अभी इस धुलने पर गया है, धुल रहे हैं। यहाँ पे धो के रेडी हो चुका है। इसके बाद सामने वाला पोर्शन जो है वो खोला जा रहा है, इसके बाद जो छोटा वाला चेंज पॉकेट है वो लगेगा यहाँ पे। तो छोटा वाला चेंज पॉकेट और चेन जो है दोनों लग चुका है, अभी लगेगा पीछे वाला। तो पीछे वाला व्हील को खोलेंगे, उसके बाद लगाएंगे। नया वाला है, तो ये देखिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए छोटा वाला जो कि पुराना है, और ये है नया वाला हम लोग का जो लग चुका है। थोड़ा फ्लैश चला देते हैं, ये देखिए पुराना चेन, पुराना चेन और ये नया चेन है। पूरा सेट आता है, ये हो गया बड़ा चक्री, छोटा चक्री और पूरा चेन आता है। अभी ये पीछे वाला जो व्हील है वो खोल रहे हैं, और ये खुल गया है, अभी देखेंगे। ये खोलेंगे व्हील को, और खोल के अभी इसके बाद जो है ये उसमें से जो ये पार्ट देखा है, इसमें से जो बड़ा चक्री है वो अलग किया जाएगा। इसको अभी कर रहे हैं उससे अलग, उसके बाद ये फिर से लगा देंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, इसको धोया सही से नहीं गया था, तो फिर से इसको धो के जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल दिया जा रहा है। तो अभी जो आप लोग देख रहे हैं स्प्रे कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं वो लोग विस्ता पॉलिश, जो स्प्रे करके इसको पोंछ दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और अभी जो है चेन को लूप किया जाएगा, बेसिकली मेरे घर पर ही पड़ा हुआ है चेन, बस है नहीं, तो यहाँ से चेन मैं लूप करके लेके जा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये चेन लूप कर रहे हैं।
और ये जो अभी स्प्रे कर रहे हैं ना, ये है WD-40 जो कि जॉइंट्स वॉइंट्स है उसमें स्प्रे किया जाता है, जितने भी जॉइंट्स हैं उसमें ये स्प्रे करके दे रहे हैं ताकि रस्ट नहीं लगेगा और जॉइंट्स जो है वो अच्छे से वर्क करेगा। देख सकते हैं मुझे कितना पैसा खर्च हुआ है, मेरा 3,136 रुपये मेरा खर्च हुआ है यहाँ पे। और देख सकते हैं बाइक जो हुआ था मेन चीज़ वो ठीक से धोया नहीं था इसको, यहाँ इंजन वंजन पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर अभी भी डस्ट है, पिछली बार भी सेम दिक्कत था। तो इस बार मैंने बोला, ये दिखाया उनको, तो बोले ठीक है प्रेशर वॉश अभी काम नहीं कर रहा ठीक से, तो अगली बार जब आएंगे एक दिन टाइम निकाल के आइएगा तो हम लोग वो ठीक से धो देंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा ये देखिए क्या भाई, ठीक से धोया नहीं इसको, वॉश नहीं किया, गिरा, ये देखिए ये देखिए। तो अभी घर जाते हैं फिर आपको पूरा दिखाते हैं। और हेलमेट जो है मैंने इसका पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, और इसमें जो ये लगा हुआ है ब्लूटूथ डिवाइस इसका भी मैंने लिंक दे दूंगा, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, आप लोग खरीद सकते हैं। और मोबाइल होल्डर प्लीज़ मुझे रिकमेंड कर दीजिएगा। तो हेलो गाइस, फाइनली मैं घर आ चुका हूँ बहुत देर के बाद, ऑलमोस्ट 2-3 घंटा लग गया है ओवरऑल सर्विस करने में। और मैं थोड़ा रेस्ट लेके अभी नीचे आया हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, क्या पार्ट्स चेंज हुआ है वो पूरा आप लोगों को दिखाऊंगा। तो डिटेल में मैं उस सबका प्राइस वगैरह सब आप लोग को दिखा दूंगा कि क्या प्राइस लगा है, क्या कुछ लगा है लेबर चार्ज वगैरह, और क्या कितना किसका कॉस्ट पड़ा है। और मेरे बाइक का ऑलमोस्ट कितना 19,500 ऐसे चल चुका है, जो बाइक है वो चल चुका है। और चेंज पॉकेट बेसिकली मैंने जहाँ सब जगह पूछा था 2-3 जगह, तो वो लोग बोले कि 13,000 से 15,000 में चेंज पॉकेट चेंज करना होता है किलोमीटर पे, पर मेरा चेंज पॉकेट चेंज नहीं करना पड़ा अभी 19,000 पे जाके थोड़ा आवाज़ करने लगा था, 19,300-400 के अराउंड आवाज़ करने लगा था थोड़ा, तो इसके लिए मैंने इसको चेंज करवाया। मुझे लग रहा था कि 20,000 पे जाके मैं चेंज करूँगा, तो क्योंकि मैं क्यों इतना लेट से चेंज कर रहा हूँ उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। मैं प्रॉपरली चेंज पॉकेट जो है, चेन है, वो उसको प्रॉपरली क्लीन करता हूँ, खुद से क्लीन करता हूँ, क्योंकि जो सर्विस सेंटर में है वो लोग ऊपर से पुराना जो केरोसिन होता है उसी से क्लीन करके ल्यूब करके उसको दे देते हैं, तो चेंज पॉकेट का लाइफ जो है वो कम हो जाता है और पूरा घिस जाता है जो पॉकेट है, तो इसके लिए मैं खुद से क्लीन करता हूँ। और पूरा खुद से क्लीन करने का जो तरीका है मैंने उस पर भी ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप लोग जाके वो भी देख सकते हैं और प्रॉपरली खुद से क्लीन कर सकते हैं। तो उसका भी मैं लिंक जो है वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस मेरे चैनल पे होता है, मैं करता रहता हूँ। मेरे बाइक में कोई भी प्रॉब्लम आता है, जैसे पहले भी आ चुका है जो सब प्रॉब्लम, मैं सबको लेके वीडियो बनाता रहता हूँ कि आप लोग को किसी के पास बाइक्स है तो वो लोग जाके उसको खुद से ठीक कर सके, आपको प्रॉब्लम पता हो कि क्या आपके बाइक में दिक्कत हुआ है और प्रॉपर आपको नॉलेज हो कि कितना पैसा खर्च होने वाला है क्या नहीं, तो आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये तो आपके लिए फ्री है पर इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो। और ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे मेरे चैनल पे, तो आपको दिखाते हैं, चलिए बिना टाइम वेस्ट के आपको आप लोग को पूरा दिखा देते हैं। सबसे पहले लगा है ये बॉल बेयरिंग, ठीक है, बॉल बेयरिंग का आप लोग ये देख सकते हैं, बॉल बेयरिंग है, उसका कॉस्ट लिया है मेरे से 295 रुपीज़, ठीक है। बॉल बेयरिंग यहाँ पे ही कहीं पे लगता है शायद, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे वो रिप्लेस किया है वो लोग, यहाँ पे ये वाला बॉल बेयरिंग, तो इसका लगा है 295 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद आता है ये छोटा वाला स्पॉकेट, ये बड़ा वाला स्पॉकेट, और ये पूरा चेन, ठीक है। ये मेरा पुराना वाला है और नया वाला यहाँ पे लग रखा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो ये पूरा TVS का है, ठीक है। और यहाँ पे MRP कितना लिखा हुआ है, MRP यहाँ पे 1900 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है। और बिल में भी मैं दिखा देता हूँ, बिल में भी 1900 रुपये है, ठीक है। किट्स, चेंज पॉकेट वगैरह, ठीक है। और पहली बार मैंने वहाँ से जो है, क्योंकि मैं ऐसे बिना ल्यूब के तो ला नहीं सकता था, तो इस बार मैंने ल्यूब वहाँ से करवा के लाया है, तो चेन ल्यूब का जो है, तो आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं, तो ल्यूब अलग से आपको वहाँ पे करवाना नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो चेन ल्यूब करने में ही 112 रुपये ले लेता है, इससे अच्छा भाई खुद से एक ल्यूब आप लोग खरीद लीजिएगा एक बार के लिए,
तो वो बहुत अच्छा था। बड़ा वाला लीजिएगा तो उससे थोड़ा आपको सस्ता पड़ेगा हर बार के लिए। तो ल्यूब जो है वो भी 112 रुपये लिया है, ठीक है। और उसके बाद सर्विस कॉस्ट लग गया है 554 रुपये। उसके बाद लगा है जो लेबर कॉस्ट है उसको, चेंज पॉकेट को ठीक करने का, उसको लग गया है 271 रुपये। उसके बाद थ्रॉटल जो है ना, मैं आपको, आप लोग को एक बात बताना भूल गया, थ्रॉटल जो है वो करने में क्या होता था, बीच बीच में मैं स्पीड में हूँ और क्या हो जाता था, मैं स्पीड में अगर गियर वियर कम करके ब्रेक मार के थोड़ा स्पीड कम कर लिया और RPM कम हो गया, और इसके बाद मैं अगर थ्रॉटल मारता था तो बाइक बंद हो जाता था। तो ये एक दिक्कत था, तो ये उनको मैंने बोला। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, थ्रॉटल जो थ्रॉटल बॉडी है, ठीक है, उसमें उन्होंने स्प्रे किया क्लीन करके, तो उसका उन्होंने चार्ज लगाया 49 रुपीज़, ठीक है। तो ये लगा है थ्रॉटल बॉडी क्लीन करने का और स्प्रे करने का, ल्यूब करने का। उसके बाद आता है व्हीकल लुब्रिकेशन, ठीक है। जैसे WD-40 है, ठीक है, WD-40 जैसे जॉइंट्स वगैरह हैं वहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया, तो उसका लगा है 82 रुपीज़। तो ये भी मैं आप लोग को रेकमेंड करूँगा कि WD-40 जो है ना वो भी आप लोग एक ख़रीद के रख लीजिए, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप लोग जब बारिश वारिश का मौसम होता है ना, तो WD-40 मारने से रस्ट वस्ट नहीं लगता है, एक अच्छा रहता है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो लोग लिए विस्ता पॉलिश जो है, उसके लिए 35 रुपीज़ लिए है। वो आप लोग देखे हैं वीडियो में कि थोड़ा बहुत स्प्रे कर रहे थे यहाँ पे टैंक वैंक पे और बाकी जगह पे वो स्प्रे कर रहे थे, उसका कोई मीनिंग मुझे लगता नहीं है कि अलग से कुछ मीनिंग है उसका। तो वो आप लोग, मैं उसको बोला नहीं था ये करने के लिए, फिर भी उसने अलग से खुद से कर लिया है। इस अगली बार अगर मैं जाऊँगा वो उसके लिए मैं मना ही कर दूंगा। और जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वॉशिंग जो है ये ड्यू लिख रखा है। तो क्या हो गया था ना, मैं अभी आप लोग को फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो बाइक पे पूरा गंदगी है, वो साफ ही नहीं किया था भाई सही से, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा गंदगी है। ये जितनी बार भी मैंने TVS से सर्विस कराया ना, सेम दिक्कत हो गया है। और इस बार मैंने छोड़ा नहीं है उसको दो बार इससे धुलवाया ये, पर फिर भी उसने ये सही से धोया नहीं है, ठीक है। पिछली बार मैंने बाहर से सर्विस कराया था, ठीक है। मैं ऑलरेडी उसका मैं वीडियो भी बना रखा हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से उसने धोया था। यहाँ पे एक भी मैल नहीं था भाई, एक भी मैल नहीं था, मतलब 1% भी नहीं था, इतने अच्छे से उसने साफ करके दिया था बाहर से, मैं करवाया था। तो भाई वहाँ से मैं उसको बोला कि भाई मैं बाहर से सर्विस करवाया, इतना अच्छे तरीके से उसने सर्विस करके दिया और धोया। आप लोग ये क्या सर्विस करते हो, हर बार ये सेम दिक्कत भाई, सेम प्रॉब्लम, धोता नहीं है अच्छे से। तो इस बार ये बोलता है कि भाई जो पानी का प्रेशर है वो काम नहीं कर रहा है इस बार सही से, तो बोलता है कि अगली बार आप आइएगा दो पाँच दिन बाद तो फिर से वॉश करवा देंगे, तो ड्यू लिख रखते हैं। तो मैं बोला भाई फिर से मैं वॉशिंग करने के लिए आऊँ एक बार, तो मैं बोला ठीक है ड्यू लिख दो, तो बाद में जब भी जाएंगे इस बिल को लेके जाएंगे और वॉशिंग जो है वो ठीक से करवाएंगे, अच्छे से करवाएंगे, क्योंकि भाई पैसा लगता है भाई। एक तो बिना बोले वो आप लोग देखे क्या विस्ता पॉलिश को वो सब लगा दिया, फिर अगर मैं नहीं बोलता तो वो चेन ल्यूब भी लगा देते हैं बेकार का, जो मतलब बेकार का नहीं बोलूँगा, मतलब ठीक से साफ़ नहीं करते हैं, ऐसे ही चेन ल्यूब करके ऊपर से क्लीन करके ल्यूब करके छोड़ देते हैं वो लोग, तो वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। तो इसके लिए मैं, उसके लिए 112 रुपये तो अभी लगा, तो उसके लिए बेकार मैं पैसा दूँ, नहीं भाई वो मैं नहीं करता। तो आप लोग को भी मैं रिकमेंड करूँगा कि खुद से साफ करो, सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और साफ भी एकदम बढ़िया सा होता है। और ठीक है, अभी देखते हैं बाइक कैसा चलता है क्या नहीं चलता है, पूरा अपडेट आपको मिलेगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा तो। ये था पूरा वीडियो, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।